हमारा ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। ये दुर्लभ शरीर मिलना बड़ा ही कठिन है। ये शरीर का सदव्यवहार करना चाहिए। हमारा कठोपनिषद में बोला है, कठोर ऋषि बोलते हैं, ये शरीर रथ मान लीजिए, शरीर को रथ मान लीजिए, और ये शरीर का ये अंतर में जो बैठ रहा है वही रथारूढ़ जीवात्मा आत्मा। ये रथ तो चलना चाहिए, कहाँ जाएगा। रथ विष्णुपाद पद्म भगवत पाद पद्म रथ जाएगा। तो रथ को चलाने के लिए सारथी तो मिलना चाहिए जरूर। तो सारथी बुद्धि है, सारथी वो बुद्धि देने वाला भगवान भी, भगवान ही बुद्धि देने वाला। तो वो बुद्धि का नाम हुआ है निष्ठयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निष्ठयात्मिका बुद्धि। निश्चय करता है कि भगवान जी, कृष्ण भगवान एकमात्र आराध्य देवता, उनका सेवा करना चाहिए। ये बुद्धि भगवान ही बुद्धि रूप से यही बुद्धि विचार देने वाला। बुद्धि सारथी है और मौन प्रग्रह, घोड़ा का जैसे लगाम है, मौन है लगाम तुल्य, मौन प्रग्रह है और इंद्रियों सा घोड़ा है, अश्व है का, और इंद्रिय का संचरण स्थान है रूप रस शब्द गंध स्पर्श पंच विषय। यही प्राण मौन इंद्रिय युक्त जो आत्मा वही है भक्ता। ये विज्ञान सारथी जस्तु मन प्रग्रहवान पुमान स्व अध्यन परमापनति तद विष्णु परम पदम। यही विज्ञान सारथी व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप जो सारथी जिनका जो रथ है वही रथ भगवत पाद पद्म श्री विष्णु चरण पाद पद्म विष्णु चरण पद्म में वो रथ जाएगा। सब कोई हमारा यही ख्याल रखना चाहिए कि ये जगत ये अनित्य है। अनित्य जगत में हम आ पड़ा कि यहाँ तो हमारा अकेले स्थान नहीं है। कृष्ण भगवान हमारा एकमात्र प्रभु है, उनका पदारविंद हमारा एकमात्र अवस्थित स्थान है। सब कहीं तो वहाँ जाने होगा। अब यही हमारा बात है। भगवान जी का भजन सब कहीं का करना चाहिए। भजन शास्त्र के बोला है, भगवान गौर रूप धारण करके बोला है, ये कलियुग में ध्यान संभव होता नहीं है। बड़ा चंचल चित्त है, चंचल चित्त में ध्यान संभव होता नहीं है। तब त्रेता युग में जैसे यज्ञों द्वारा भगवान जी को आराधना होती है, ऐसे ये कलियुग में यज्ञ भी नहीं, सृष्टि साथ में अनुष्ठान अनुष्ठित होता है। यज्ञ सृष्टि होते अनुष्ठित नहीं होता है। और द्वापर में अर्चन भक्तंग कभी भजन करना, धावी अर्चन भक्तंग भी सुष्ट भाव में गज तो नहीं अनुकरता। और कलियुग में एकमात्र हरेर नाम ही वो केवलम कलो नास्ते बगति देवर्षि नारद यही बात बोला है। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी का चतुर्मुख से चतुर्वेद सुना है, शिव जी का पंचवदन से आगम सुना है। निगम आगम सुनकर नारद जी दो हाथ उठाकर बोलता है जो हरेर नाम ही व केवलम अलोग नास्ते व नास्ते व नास्ते बदति बन्नता। कलियुग में और दूसरा दशमिक नहीं है, तो सब कोई हरिनाम करने का महापुरुष जो ही हरिनाम बताता है कैसे हरिनाम करेगा। प्रभु कहे कहिला में ही महामंत्र, यह जप गया सब करिया निर्बंध, यह हई ते सर्वसिद्धि हई वे सवार, सर्वक्षण बल ये विधि नैहार, की भजने की शयने की वा जागरणे, अहर्निश चिंत कृष्ण बल हवदने, आपन कलार माला सभा कर गया, आज्ञा करेन गौर हरि कृष्ण कह गया, बल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, अमापति प्रति स्नेह जगी था सभा कार, कृष्ण बिना कह कि तू ना बोलियार,
महाप्रभु जी बोलता है क्यों केवल सिंह तुम्हारा हमारा प्रति बिंद मात्र स्नेह दिखता हो सब ये कृष्ण छोड़कर दूसरा बात कुछ नहीं कही है। कृष्ण 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 सब रखना चाहिए यही हमारा बात है। भगवान जी आदर करते हैं। गोपाल प्रसाद अग्रवाल महाशय था बस ठीक है।